यूं तो देशवासियों के लिए हर रोज की तरह आज की सुबह थी, लेकिन गुजरात वासियों के लिए आज की सुबह कितनी खास रही, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। सुबह सुबह रंग बिरंगी पतंगों से आसमान गुलजार हो उठा। इसके साथ ही जहां तक नजरें जाएं, वहां तक अलग अलग तरह की पतंगे आपस में पेच लड़ाती हुई नजर आईं। जी हां, अहमदाबाद में आज से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 7 से 14 जनवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। इस दौरान मंच पर नृत्य के माध्यम से रिवर फ्रंट पर भारतीय संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली और पारंपरिक तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि इस बार पतंग महोत्सव में पतंगबाज भगवान राम की छवि वाली पतंगों से पतंगबाजी कर करतब दिखा रहे हैं। इस पतंग महोत्सव में कई देशों के पतंगबाज बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। महोत्सव में भाग लेने वाले देशों में फ्रांस, तुर्की, यूक्रेन, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों की पतंगें आई हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 का आयोजन अहमदाबाद के साथ साथ राजकोट, सूरत और वडोदरा में भी किया गया है। बता दें कि यहाँ पतंग महोत्सव के साथ साथ हस्तशिल्प और फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पतंग महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पतंगबाजों द्वारा आयोजित परेड का भी आयोजन किया गया है। साथ ही पतंग महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।